हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भिंडी की चड़चड़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आप तक और भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंचा सकूं। की चचड़ी बनाने जा रहे हैं। इसको मैंने अच्छे से धो करके छन्नी में रख लिया, इसका पानी पूरा निकल चुका। अब हम इसे एक सूखे कपड़े से सारी भिंडी जो है, इसका जो पानी है, इसको पोछ पोछ करके रख लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सूखी इसकी चचड़ी तैयार हो, चिकनापन ना हो इसमें। और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी जो भिंडी है वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, एकदम सूखी चड़चड़ी बनेगी। ये इस तरह से हम सारी भिंडियों को इस तरह कर लेंगे। ये मैंने भिंडी को कट कर लिया है इस साइज में, ज़्यादा एकदम बारीक भी नहीं करनी ना बड़ी, और ये एकदम सूखी हुई है। और ये देखिए मैंने 10 हरी मिर्च इतने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है ये। और ये मैंने 3 खटाई ली है आम की, और नमक। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए हमने तेल इतना लिया, तेल आपको मीडियम ही लेना है, ताकि जो हमारी भिंडी है अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। इसमें हमें प्याज बिल्कुल नहीं डालना, प्याज के इस्तेमाल करने से ये जो चड़चड़ी है वो तैयार नहीं होगी, चिपचिपी हो जाएगी प्याज से। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसमें डालेंगे 3 खटाई। अगर आपको और खट्टा खाना है, ये खटाई डालने से फ्रेंड्स जो इसमें का चिपचिपापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और इससे जो भिंडी का स्वाद है और भी बढ़ जाएगा। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और अब हम इसे तेज में ही इसे फ्राई करना है, इसको ढकना नहीं है बिल्कुल से ही, तेज आँच में इसे बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खटाई डालने से ये बिल्कुल अलग अलग हो गई है, और ये बिल्कुल से भी इसकी चिपचिपापन नहीं है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे इसी तरह तेज़ आंच में। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी की चचड़ी रेडी है। ये देखिए एकदम अलग अलग है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिए, वीडियो को मेरे शेयर करिए।